आज हम लोग बात करेंगे, अगर आपके घर में या आपके नज़दीक कोई भी गैस सिलेंडर में आग लग जाता है तो उस समय आप क्या करेंगे। क्योंकि आजकल हर किसी के घर में आपको गैस सिलेंडर मिल जाएगा और अक्सर आप न्यूज़ में देखेंगे गैस सिलेंडर में आग लगने के वजह से कई घर तबाह हो चुका है या कई लोगों का जान जा चुका है। तो ऐसे हादसे या हालात अगर आपके सामने पैदा होती है तो उस समय आपको क्या करना है। दोस्तों, सिर्फ गैस सिलेंडर नहीं बल्कि किसी भी चीज़ पर आग लगने से अगर आपके आसपास कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर उपलब्ध है तो उससे आप आग निभा सकते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे तरीका है जिससे आप गैस सिलेंडर का आग बुझा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है, आप कोई भी कंबल को गीला कर ले या बेडशीट को गीला कर ले, उसके बाद सिलेंडर पर आप अच्छे से लपेट दे, इससे भी आग बुझ जाता है। गैस सिलेंडर का आग बुझाने का दूसरा जो तरीका है, आप गैस सिलेंडर को कोई भी खुला जगह पर ले जाए और उसके ऊपर आप पानी छिड़काए, उससे भी आग बुझ जाता है। और आग बुझाने का तीसरा तरीका है, गैस सिलेंडर को आप कोई भी नज़दीक के तालाब में या नाली में फेंक दे, उससे भी आग बुझ जाता है। अगर आपके पास कोई भी रेत पड़ा हुआ है उस रेत का इस्तेमाल करके भी आप सिलेंडर का आग बुझा सकते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है, आग लगने से पहले आप सिलेंडर का ऐसा केयर करें, ऐसा सावधानी बरतें ताकि आग ही ना लगे। इसके लिए आपको कई सावधानी बरतनी है। सबसे पहली, अगर गैस सिलेंडर के आसपास कोई जलने वाली सामान होती है तो उसको वहाँ से हटा दे। और दूसरा तरीका है, गैस सिलेंडर का ओवन या पाइप पे किसी तरह का लीकेज ना हो उसके बारे में ध्यान दे। उसके बाद गैस सिलेंडर का जो रेगुलेटर होता है उसको आप बारीकी से देखें। अगर गैस सिलेंडर का रेगुलेटर खुला हुआ होते हैं तो उसको आप बंद करके रखें। और अंत में सबसे अहम चीज़ ये है, गैस का एक अलग स्मेल होती है, अगर आप उसको पहचान कर पाते हैं तो उसको अच्छे से पहचानें और उसको अच्छे से चेक करने के बाद किसी तरह का लीकेज है कि नहीं है और रेगुलेटर ऑन है या ऑफ है, ये सब बारीकी से देखने के बाद आप गैस को लाइट अप करें। अगर उससे पहले आप ना देख कर अगर लाइट अप कर देते हैं तो उससे कई दुर्घटना भी घटती है और लोगों का जान माल का नुकसान भी होता है। अगर ये सब के बारे में आप अच्छे से ध्यान देंगे तो शायद आपका गैस सिलेंडर में आग भी नहीं लगेगा और किसी तरह का एक्सीडेंट भी नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।